नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और गुरुवार का दिन है। तृतीया तिथि आज शाम 5:04 तक रहेगी। आज का दिन बहुत ही विशेष है। आज हरियाली तीज है। कहते हैं हरियाली तीज एक के बाद एक त्योहारों के आगमन की शुरुआत का दिन है। राजस्थान में इस पर एक कहावत भी है, तीज तिवाना बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी तीज से तिथियां शुरू होती है और गणगौर पर 6 महीने बाद लगभग समाप्त होती है, यानी कि एक त्योहारों का क्रम है जो इस बीच बहुत ज्यादा रहता है। हरियाली तीज के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है। आज दोपहर 12:02 तक व्यतिपात योग रहेगा। साथ ही आज शाम 5:44 तक सभी काम बनाने वाला रवियोग भी रहेगा। इसके साथ ही आज 5:44 तक मघा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 26 जुलाई को सुबह 9:32 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग भी नहीं बन रहा है। अब ये योग 26 जुलाई को सूर्योदय से दोपहर 12:37 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 24 जुलाई को शाम 4:02 से 6:44 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 1 अगस्त को सुबह 6:48 से 9:14 तक और दोपहर पहले 11:30 से दोपहर 1:49 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 तारीख को सुबह 8:39 से दोपहर पहले 11:57 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 जुलाई की सुबह 5:39 से दोपहर पहले 11:57 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शाम 5:44 से 6:47 तक और रात 8:30 से 12:57 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 तारीख को सुबह 9:32 से दोपहर पहले 11:54 तक और दोपहर 2:13 से रात 8:18 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 जुलाई को सुबह 9:32 से दोपहर पहले 11:54 तक और दोपहर 2:13 से रात 8:18 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 2:38 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन सिंह और कर्क राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2:10 से दोपहर बाद 3:52 तक। मुंबई दोपहर 2:23 से शाम 4:01 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:12 से दोपहर बाद 3:56 तक। लखनऊ दोपहर 1:54 से दोपहर बाद 3:36 तक। भोपाल दोपहर 2:06 से दोपहर बाद 3:46 तक। कोलकाता दोपहर 1:23 से दोपहर बाद 3:02 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 2:25 से शाम 4:05 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर बाद 1:51 से 3:27 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। घर से निकलकर उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर
उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, दोस्तों के साथ आज मौज मस्ती में समय व्यतीत होगा, ऑफिस में आपके काम को लेकर बॉस आपकी तारीफ करेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई शुभ समाचार मिलेगा, घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा, आज नए नए लोगों से दोस्ती होगी जो आगे चलकर आपको आर्थिक लाभ पहुंचाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आपके नए कार्यों में रुचि बढ़ेगी जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और भी अधिक मजबूत होगा, परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा, धन लाभ के बड़े अवसर आपको मिलेंगे, आपका कोई खास काम पूरा होगा, आज आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे, आपके काम समय पर पूरे होंगे, साथ ही आपको अपनी मेहनत का फल भी अवश्य मिलेगा, किसी नए कॉन्टैक्ट से आपको फायदा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपको किसी बड़ी कंपनी से डील करने का मौका मिलेगा, इस राशि के संगीत के क्षेत्र में रुझान वालों को किसी शो में गाने का ऑफर भी मिल सकता है, आप कुछ खास रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको तरक्की के कई नए रास्ते खुले नजर आएंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन शानदार है, आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्क करने से रुका हुआ काम जल्दी पूरा हो सकता है, किसी तरह के विवादों में पड़ने से आपको बचना चाहिए, आप किसी तरह के विचारों में खोए रह सकते हैं, इससे कोई खास मौका आपके हाथ से निकल सकता है, किसी काम में परिवार वालों की राय आपके लिए बेहतर साबित होगी, आप जीवन साथी के साथ घर पर ही पूजा पाठ में मन लगाएंगे, कारोबार में आपको फायदा होगा, लेकिन आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन परिवार वालों के साथ व्यतीत होगा, गुस्से में किसी से बात करने से आपको बचना चाहिए, आज आपके व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे, आप उनको अपनी बात समझाने में सफल होंगे, ऑफिस का माहौल ठीक ठाक रहेगा, परिवार वालों के साथ आज घर पर ही डिनर का आनंद उठाएंगे, आज आपका विश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, सीनियर्स आपके काम से खुश होंगे, आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आपका ध्यान धार्मिक कार्यों में लगा रहेगा, आज घर में ही छोटा सा धार्मिक कार्य का अनुष्ठान करेंगे, आज आप बच्चों के जरूरत का सामान खरीदेंगे, आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, आप कोई नया काम करने की सोचेंगे जिसमें आप सफल भी होंगे, अधिकारी आपके कामों से संतुष्ट होंगे, करियर में आप नए आयाम स्थापित करेंगे, कुल मिलाकर आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है, आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज पुराने लेन देन को लेकर किसी से विवाद जैसी स्थिति बन सकती है, इस राशि के स्टूडेंट्स आज पढ़ाई लिखाई में खूब मेहनत करेंगे जिससे उनका भविष्य उज्जवल होगा, ऑफिस का माहौल थोड़ा अलग हो सकता है जिससे आपको थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है, आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है, आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा, आपकी कोई पुरानी समस्याएं खत्म होने की संभावना है, आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, बिजनेस के सिलसिले में आपको छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है, आपको संतान का सुख प्राप्त होगा, ऑफिस में आज आपको जिम्मेवारी वाला काम मिल सकता है जिसे पूरा करने में आप सफल होंगे, रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है, आप नए काम करने की सोच सकते हैं जो आपको आगे धन लाभ के अवसर देंगे, आज आपका मन पूजा पाठ में अधिक लग सकता है, आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज व्यापार में आपको अचानक धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा, ऑफिस के कुछ सहकर्मी आपके काम में सहायता करेंगे जिससे आपका काम जल्दी पूरा हो जाएगा, आज आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आगे आने वाले दिनों में आपकी मदद करेगा, आपके सोचे हुए काम आसानी से पूरे होंगे, बिजनेस में सफलता मिलेगी, परिवार में आपके रिश्ते मजबूत होंगे, कार्यों में दोस्तों का सहयोग मिलेगा, आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज पारिवारिक खुशियों के लिए आपको अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ सकता है, आज आप थोड़े सोच विचार में रहेंगे,
कोई नया काम करने से आपको बचना चाहिए। बिजनेस कार्य में किसी का सहयोग प्राप्त हो सकता है, किसी पुरानी बात को लेकर आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा। आज किसी मित्र से बात करके अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की रूपरेखा तैयार करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आपको कुछ नए अवसर मिलेंगे। उधार दिया हुआ पैसा अचानक ही वापस मिल जाएगा। आज जीवन साथी के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, रिश्तों में पॉजिटिविटी आएगी। आज बच्चे काफी खुश नजर आएंगे। वेब डिजाइनर्स के लिए दिन काफी अच्छा है, आप किसी नई साइट पर काम कर सकते हैं। बिजनेस के क्षेत्र में बड़े बड़े लोगों से मिलने में मदद मिलेगी, आपकी तरक्की सुनिश्चित है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज व्यापार के मामलों में आपके मन में नए नए विचार आ सकते हैं। किसी काम में मित्रों की सलाह फायदेमंद साबित हो सकती है। परिवार में खुशहाली का वातावरण रहेगा। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, किसी समस्या का समाधान आपको मिल सकता है। लेन देन के मामले में पहले किसी बड़े की राय जरूर ले लें। सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कार्यों में भी आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज पानी पीकर घर से निकले, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज जरूरतमंद को भोजन दें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपके अच्छे व्यवहार से लोग खुश रहेंगे, आपकी अच्छी छवि निखर कर लोगों के सामने आएगी। मूलांक 2, कोई भी कार्य करने से पहले बड़ों की राय जरूर ले लीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 3, आपकी सारी परेशानियों का हल मिलेगा, पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। मूलांक 4, आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी जिससे परिवार में सबके चेहरे खिले रहेंगे। मूलांक 5, आपके लिए आज का दिन बेहतर रहेगा, दूसरों के साथ अपनी बात को खुलकर व्यक्त करेंगे। मूलांक 6, अपनों से नजदीकियां बढ़ाने का अवसर मिलेगा, ये अवसर आपको खोना नहीं चाहिए। मूलांक 7, घर से मिली जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने में सफल होंगे, घर वाले आपसे खुश रहेंगे। मूलांक 8, अपने खर्चों को लेकर आज सोच विचार में रहेंगे, बेहतर होगा अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें। मूलांक 9, वाहन चलाते समय सावधानी रखिए, साथ ही जरूरी कागजात हमेशा अपने साथ रखिए। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे विभिन्न रंगों के महत्व के बारे में। विभिन्न रंग अलग अलग चीजों के प्रतीक हैं, साथ ही उनके अलग अलग प्रयोग भी हैं, अलग अलग तत्व हैं। इसलिए आज मैं आपको उन अलग अलग रंगों के बारे में बता रहा हूं, ताकि आप सही काम के लिए, सही जगह के लिए सही रंग का चुनाव कर सकें। सबसे पहले बात करेंगे पीले रंग की। पीला रंग गुरुत्व का प्रतीक है, ये बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, गठिया रोग में भी ये रंग लाभप्रद है। हरा रंग शांत प्रवृत्ति, शांत प्रकृति और खुशहाली का प्रतीक है, ये रंग हृदय रोग में भी सहायक है। लाल रंग की बात करें तो एक उत्तेजनापूर्ण रंग है और लो ब्लड प्रेशर को ठीक रखने में सहायक है, जबकि गुलाबी रंग शारीरिक कष्टों को रिड्यूस करता है। कॉन्स्टिपेशन में और वीकनेस में पिंक कलर को सहायक माना गया है। अन्य रंगों के बारे में कल चर्चा करेंगे, साथ ही घर के किस हिस्से में कौन सा रंग करवाना बेहतर होगा इसकी भी चर्चा कल करेंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और गुरुवार का दिन है। तृतीया तिथि आज शाम 5:04 तक रहेगी। आज का दिन बहुत ही विशेष है। आज हरियाली तीज है। कहते हैं हरियाली तीज एक के बाद एक त्योहारों का आगमन शुरू हो जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। इसे मधुशवा तृतीया या छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दूं कि हरियाली तीज के बाद ही नागपंचमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और नवरात्र आदि बड़े त्यौहार आते हैं, जिससे भारतवर्ष की छठा में 4 चांद लग जाते हैं और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आती हैं। राजस्थान में इस पर एक कहावत भी है, तीज तिवारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका मतलब यह है सावन की तीज अपने साथ त्योहारों की पूरी श्रृंखला लेकर आती है, जो लगभग 6 महीने बाद आने वाले गणगौर के त्यौहार के साथ पूरी होती है। हरियाली तीज के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है। यह दिन महिलाओं के लिए भी विशेष महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं सज संवर कर झूला झूलती हैं और सावन के प्यारे लोकगीत गाती हैं। इस दिन हाथों में मेहंदी लगाने की भी परंपरा है।
तो ये थी चर्चा हरियाली तीज की, और अब बात करते हैं आज के दिन पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज दोपहर 12:02 तक व्यतिपात योग रहेगा। व्यतिपात योग में कोई शुभ कार्य अवॉइड करें तो अच्छा है। साथ ही आज शाम 5:44 तक सारे काम बनाने वाला रवियोग रहेगा। रवियोग के दौरान किए गए कार्यों से शुक्र मध्य और सफलता प्राप्त होती है। तो यूं समझिए कि आज दोपहर 12:02 से शाम 5:44 तक का समय चंगा है। इसके साथ ही आज शाम 5:44 तक मघा नक्षत्र रहेगा। नक्षत्रों की श्रेणी में मघा नक्षत्र 10वां नक्षत्र है। मघा नक्षत्र का अर्थ है बलवान या महान। इसका प्रतीक चिन्ह राज सिंहासन को माना जाता है, जो कि शासन शक्ति और प्रभुत्व के साथ जुड़ा हुआ है। मघा नक्षत्र के दौरान तालाब बनवाना, कुएं खुदवाना, चिकित्सा का कार्य, विद्या अध्ययन, लेखन और शिल्प आदि से संबंधित कार्य करना शुभ माना जाता है। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, जबकि इसके अधिपति देवता पितरों को माना जाता है, और इसके चारों चरण सिंह राशि में ही स्थित होते हैं, जिसके कारण इस नक्षत्र के सिंह राशि पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा मघा नक्षत्र का संबंध बरगद के पेड़ से बताया गया, लिहाजा जिनका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को कभी भी बरगद के पेड़ को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, बल्कि हो सके तो आज के दिन, और हरियाली तीज कहने ही क्या है, आज के दिन एक बरगद का पेड़ लगाइए, बहुत आनंद हो जाएगा। जो जो बरगद का पेड़ बढ़ेगा तो आपका सुख सौभाग्य उन्नति करेगा। तो ये थी चर्चा आज के दिन पढ़ने वाले व्यतिपात योग, रवि योग और मघा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज हरियाली तीज के दिन किए जाने वाले खास उपायों की। यहां एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं और जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, तो आज के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध मिला हुआ जल चढ़ाने के साथ साथ अपने माथे पर रोली का तिलक भी लगाइए। रोली का मतलब हल्दी और चंदन। आज हल्दी और चूना, पान में खाने वाला चूना, हल्दी और चूना मिलकर रोली बनती। आज के दिन ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा और जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। अगर आप अपने जीवन साथी को आर्थिक रूप से स्ट्रांग देखना चाहते हैं, तो आज के दिन भगवान शिव को नमस्कार करके उन्हें आक यानी मदार के 5 फूल चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ करें। अगर 5 फूल न मिले तो एक ही चढ़ा दीजिए आज के, लेकिन शिव चालीसा का पाठ करिए, बहुत फायदा होगा। आज के दिन ऐसा करने से आपका जीवन साथी फाइनेंशियली आर्थिक रूप से स्ट्रांग होगा। अगर आप अपने जीवन में अक्षय फलों की प्राप्ति चाहते हैं, तो जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं, तो किसी जरूरतमंद को अनाज भेंट करने के साथ ही शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। ये 5 अक्षर का मंत्र बड़ा इफेक्टिव है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब इसमें 5 अक्षर कौन कौन से, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम तो हम लोग लगा लेते, नमः शिवाय। आज के दिन ऐसा करने से आपको अक्षय फलों की प्राप्ति होगी और आपको जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। अगर आप अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाने के साथ साथ शिव जी को तिल और नारियल के गोले से बनी मिठाई का भोग लगाइए। साथ ही ओम शब्द का उच्चारण करें, सस्वर। आज के दिन ऐसा करने से आपका शरीर तंदुरुस्त बना रहेगा। अगर आप अपने किसी काम में पूरी तरह से सफलता पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आज के दिन दूध, दही, शहद, गंगा जल और शक्कर, पंचामृत, ये सब मिलाकर बने हुए पंचामृत से भगवान शिव को भोग लगाइए और उसमें से थोड़ा सा भोग बचाकर रख लीजिए। बचे हुए भोग को किसी गाय के बछड़े या किसी बैल को खिला दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने काम में पूर्ण रूप से सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप अपना प्रेम विवाह बिना किसी अड़चन के सफल बनाना चाहते हैं, तो आज के दिन शिव मंदिर में जाकर अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल यानी अक्षत चढ़ाइए और वहां के पुजारी जी से कही कि उन चावलों में से थोड़े से चावल निकालकर आपकी झोली में डाल दे। आज के दिन ऐसा करने से आपका प्रेम विवाह अवश्य सफल होगा। उन चावलों को प्रेम विवाह होने तक संभाल के रखिए, उसके बाद जाके नदी में विसर्जित कर दीजिएगा। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है, तो उसका हल पाने के लिए आज के दिन पानी में गंगा जल के साथ ही केसर भी डालिए
और थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके 7 बार में शिवलिंग पर अर्पित करिए, थोड़ा थोड़ा करके। आज के दिन ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों का हल आपको जल्दी ही मिलेगा। अगर आपके जीवन साथी का कोई महत्वपूर्ण काम बहुत दिनों से अटका हुआ है तो आज के दिन शाम के समय अपनी कामना पूर्ति के लिए शिव मंदिर में एक तेल का दीपक जलाने के बाद 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी के काम बहुत जल्दी पूरे होंगे। अगर आपको बिजनेस डील फाइनल करने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आज के दिन शिव शंभू का नाम लेते हुए बिल्व वृक्ष के तने पर थोड़ा सा गाय का दूध चढ़ाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस डील में आ रही परेशानी दूर होगी और किस्मत का सितारा चमकाना है तो आज के दिन शिव मंदिर में बेलपत्र की माला चढ़ाने के साथ ही प्रसाद के रूप में भगवान को केले का फल अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी किस्मत का सितारा हमेशा चमकता रहेगा। अगर आप अपनी संतान की तरक्की चाहते हैं, उसके आने वाले जीवन में खुशहाली देखना चाहते हैं तो आज के दिन 11 बेलपत्र लेकर साफ पानी से धोकर उन पर रोली का टीका करके शिवलिंग पर चढ़ाएं और हर बार एक बेलपत्र चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जाप करें। मंत्र इस तरह है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज के दिन ऐसा करने से आपके संतान की तरक्की सुनिश्चित होगी और उसके जीवन में खुशहाली आएगी। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता कुछ कम हो गई है तो मधुरता बढ़ाने के लिए आज के दिन केले के टुकड़ों को शहद में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में फिर से मधुरता बढ़ने लगेगी। तो ये थी चर्चा आज के दिन व्यतिपात योग, रवि योग, मघा नक्षत्र और हरियाली तीज की। आज के दिन हमने चर्चा की हरियाली तीज के दिन कौन से उपाय करके आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और अपने सुख समृद्धि में वृद्धि कर सकते हैं। यहाँ एक बार फिर याद दिला दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के जमाने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नजर होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आज आपके दोस्त को कोई मौका मिलेगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या कहीं आपका दुश्मन बाजी तो नहीं मार लेगा, किसका दिन आज कैसा है। नाम के अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, प्रशासनिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा देने के इच्छुक स्टूडेंट्स को आज सफलता सामने खड़ी है। बी, बेरोजगारों को रोजगार मिलने के कारण आप उनके चेहरे पर खुशी निकल के सामने आएगी। सी, घर में किसी काम की कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, उसे आप आसानी से पूरा कर लेंगे। डी, विरोधी नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे लेकिन आप डटकर सामने खड़े रहेंगे। ई, आपकी कोई समस्या किसी बुजुर्ग की सलाह से सुलझ जाएगी। एफ, ऑफिस में काम ज्यादा होने से आपको आज थोड़ा गुस्सा सा आ सकता है। जी, कोई बात जो आपको परेशान कर रही है तो आज किसी से आप सलाह ले सकते हैं। एच, आज के दिन कारोबार में उन्नति होगी और आपको अचानक धन लाभ होगा। आई, आज आप किसी से कोई बात करें तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। जे, छात्र आज करियर के सिलसिले में जो भी फैसला लेंगे ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा। के, किसी काम में जरूरत के वक्त अपनों का साथ हौसला बढ़ाएगा, वो काम आसानी से पूरा होगा। एल, स्वास्थ्य में ताजगी आएगी जिससे आप हर मुश्किल को जल्द ही हल कर लेंगे। एम, आपके लिए आज का दिन शानदार रहेगा, आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। एन, जल्दबाजी में फैसले न करें ताकि आगे आपको पछताना न पड़े। ओ, आपके जीवन साथी का मिजाज आज बढ़िया रहेगा, आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है। पी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, साथी रिश्तों में मधुरता आएगी। क्यू, आज रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी रखें और किसी को भी उधार न दें। आर, वाहन चलाते समय सावधानी रखें, सीट बेल्ट आप जरूर लगाइए। एस, प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो किसी अच्छे मुहूर्त पर ही आप खरीदिए। टी, किसी जगह निवेश करने से पहले परिवार की राय जरूर ले लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। यू, बेवजह के खर्चे बढ़ने की भी संभावना है, इसलिए यथासंभव धन जुटाने की कोशिश करें।
वी कार्य क्षेत्र में ईमानदारी बरते व अपने अधीन काम करने वालों का सम्मान करें। डब्ल्यू छात्रों में विज्ञान कला व तकनीकी शिक्षा के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, साथ ही आपको कोई नई चीज सीखने को मिलेगी। एक्स आज के दिन अपने परिश्रम से आप उचित स्थान पाने में सफल रहेंगे। वाई आपको अच्छी नौकरी के साथ आपको कार्यस्थल पर पूरा सम्मान मिलने के आसार है। जेड आपकी अतिरिक्त काम करने की क्षमता उन लोगों को चौंका देगी जिनका प्रदर्शन आपसे बेहतर है। और अब चर्चा तीर्थ की, आज हम सावन के महीने में आपको करवाने जा रहे हैं देहरादून के सुप्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन। इस मंदिर में शिवलिंग पर जल प्रायः टपकता ही रहता है। यह मंदिर बड़ा ही भव्य बड़ा प्राचीन बताया जाता है। ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर का संबंध पांडवों के समय से है, कुछ लोग इसे पुराना भी इसे बताते हैं, लेकिन मंदिर अत्यंत रमणीक है और वहां जाकर बड़ी दिव्य चेतना का अनुभव होता है, अच्छा अनुभव होता है। और ऊपर से गिरती जलधारा वो तो अद्भुत है, देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है। हर हर बम बम। आप भी घर बैठे कीजिए सावन के महीने में टपकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे दांतों के बारे में। दूसरे व्यक्ति के दांतों को देखकर कैसे पता लगाएं कि उसका स्वभाव कैसा है और कैसे वो व्यक्ति आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। देखिए हमारे मुंह में तीन तरह के दांत होते हैं। एक सामने वाले दांत जो भोजन को कुतरने के काम आते हैं, इनकी कुल संख्या 8 होती है। वहीं भोजन को काटने के लिए दांतों की संख्या 4 होती है और इसके अलावा बचे हुए दांत जो होते हैं भोजन को चबाने के काम आते हैं, इनकी कुल संख्या 20 होती है, लेकिन सामान्यतः इनकी संख्या 16 ही होती है। हर किसी के मुंह के अंदर दांतों की आकृति एक जैसी नहीं होती। किसी के सभी दांत एक समान होते हैं तो किसी के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, किसी के दांत ऊपर उठे होते हैं तो किसी के दांत एक दूसरे के नीचे दबे होते हैं। ये तो थी दांतों की विभिन्न आकृतियों और उनके कामों की बात। सामुद्रिक शास्त्र में कल हम बात करेंगे एकदम सीधे सपाट दांत वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 23 जुलाई को श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी नहीं खानी चाहिए। परवल की सब्जी खाने से शत्रुओं की वृद्धि होती है, दुश्मन बढ़ते हैं। तृतीया तिथि आज शाम 5:04 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर 2:35 तक रहेगी। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध। अतः आज शाम 5:04 तक आपको परवल की सब्जी का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद कल दोपहर 2:35 तक आपको मूली का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए पीजिए मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणुकुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहे हे रुद्र आज्ञापयति स्वः। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज जेब में सफेद कागज रखे, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें और www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-472-1000 और 9971-000-226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।